सुप्रभात। और बारिश तो आई नहीं, पर मौसम अब भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे बारिश आओगी। बिल्कुल एक जैसा हो रहा है पूरा आसमान। वो इधर भाई जिया और वसु रेडी हो गए हैं स्कूल में जाने के लिए। दिखाता हूँ आपको क्या कर रही है जिया। उनका खाना तो बन गया है ब्रेकफास्ट। और भाई जी अब आगे कहीं, वसु कहाँ गया? वसु रेडी हो रहा है, ये रहा। गुड मॉर्निंग जी, कहाँ गई? और देखो जान तो पहला टीवी। आया हूँ आऊँ क्योंकि पानी आ रहा है और ऊपर टंकी में चल रहा है। इस पाइप से जब नीचे आ जाएगा ना तब वो बंद कराना है, क्योंकि हमने वो बेल वगैरह वो कुछ भी नहीं लगवा रखी। और भाई मौसम अब भी ऐसा है और हल्की हल्की ना फुहार सी आ रही है, तो बढ़िया मज़ा सा लग रहा है। आज ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। तैयार मम्मी, मैं, पापा जी और वसु को स्कूल से लेना है तो वो भी जाएंगे। और ये देखो इधर हमारे कान्हा जी बैठे हैं, इनके हवाले घर छोड़ के जाने लग रहे हैं। वैसे ऊपर है तो वो भी संभाल लेगी पायल। तो फिलहाल हम जाने लग रहे हैं नई गाड़ी में। वो जहाज है एरोप्लेन, जो पुरानी गाड़ी भी था इसको उतार लिया था, जिसने भी नई गाड़ी में लगाऊंगा मैं। ये सोलर वाली है, सोलर से चलती है, बढ़िया ना, इसको लगाऊंगा नई गाड़ी में। और देखो अब भी बारिश है और मैं आया हूँ भाई फिलहाल जिया के स्कूल में। ये सामने ये जो है ये जिया स्कूल है, तो उसको लेने के लिए आया हूँ जिया और वसु को। मम्मी जा रही है अंदर, उसके बाद हम चले जाएंगे बहादुरगढ़ की तरफ जाता है ये गाँव जाता है छोची की तरफ शायद। और ये है भाई देखो स्कूल, ये गाड़ी खड़ी, मम्मी जा रही है फिलहाल उनको लेने। देखो कितना टाइम लगता है। ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसी स्कूल में मैं पढ़ा करता, यानी जो मेरी टेंथ है वो स्कूल, टेंथ नहीं सॉरी, मेरी एट्थ तक था उस टाइम पे ये, तो आठवीं क्लास मेरी इसी से हो रही है और अब ये ट्वेल्थ तक है। और ये गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ है। और इस उधर देखो पशु चर रहे हैं, भैंस वगैरह, और हल्की हल्की बूंद आ रही है। अपनी गाड़ी देख लो कैसी लग रही है। ये इसका पीछे से लुक है, अभी टेम्परेरी नंबर है, वैसा परमानेंट नंबर आया नहीं है अभी। देखो पापा बैठे अंदर, और ये इसका फ्रंट है। देखो वो आई जिया और वसु दोनों मम्मी के साथ आने लग रहे हैं। वो जिया का तो मन उदास हो रहा होगा, क्योंकि जिया ना बिल्कुल भी आकर राजी नहीं है स्कूल में से। उसने भाई स्कूल में रहना पसंद है। गार्ड बैठा है ना, उसको एक स्लिप देनी होती है कि भाई हम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। आ गई मम्मी वसु, और भाई जिया कहाँ रहेगी? वो आ गई जिया। जिया का तो मन ना लग रहा है ना जिया। वसु आ गए हैं और अब चलने की करते हैं तैयारी, बहादुरगढ़ जाना है। बैठो भाई सब, बैठ जाए आगे सारे। और जिया और वसु तीनों हम गाड़ी में बैठे हैं, मम्मी और पापा सब्जी ले रहे हैं।
पीछे देखो आपने, मैं थोड़ी थोड़ी झलक इसमें दिखा देता हूँ, वो दिख रही है ना इस वाले शीशे में, वो ले रहे हैं। और बाकी वो दुकान है जिस पर, तो वो ले रहे हैं सामान पीछे ही, खेत है जहाँ से हम सब्जी लेते हैं, पीछे वो शॉप है। वो रही मम्मी पापा भी दिखते होंगे खड़े। ये रोड है भाई मातन वाला, बहादुरगढ़ जाता है ये। ये सारी सब्जी है ये, देखो उधर टमाटर तोड़न लग रहे हैं, वो उधर भिंडी तोड़न लग रहे हैं। फिलहाल सब्जी मंडी में आ रहे हैं यार, ये दोनों चूजे यहीं बैठे हैं। जिया और वसु जूते इनके ले लिए है, जिया ले लिए ना जूते ले लिए, भाई इसकी मम्मी के चप्पल ले लिए। और देखो इधर मंडी में खरबूजा, तरबूज, आम, अंगूर, और उधर वो है पूरी सब्जी का, वो उधर मिलते हैं सारी सब्जियां। और इसके पीछे भी है भाई, ये भी पीछे भी है देख लो, ये भी। तो पूरी बड़ी मार्केट है ये बहादुरगढ़ वाली भी। ये पीछे वाली साइड है, पीछे वाली और इधर हम है। बस वो अपना लंच करने लग रहे हैं, लंच का टाइम हो गया इनका। उधर देखो मम्मी और पापा वो है ना घर का सामान लेने लग रहे हैं अब। और ये दोनों क्या करेगा, ठीक है। बारिश के बाद का मौसम कितना साफ हो गया, और अब भी उम्मीद है बारिश आ सकती है। गली सारी गिल्ली हो गई है, हमारे पेड़ भी सारे हरे हो गए, इधर वाले भी। तरुण के वहां से है ना ये दो तीन चीज लेकर आया था जी आर वसु के लिए, एक तो मोटू पतलू और दूसरा के है पास्ता। और दोनों देखो किस तरह खाने लग रहे हैं और काम करने लग रहे हैं। तो भाई आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूर दूर तक पहुंचाओ भाई।